जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। तो पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10th के एमसीक्यूज को कवर करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अवर पार्ट 3। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक पजल पूछा था जिसमें मैंने एट द एंड जो आंसर दिया था दैट वॉज 042 यानी सी ऑप्शन, और काफ़ी सारे बच्चों ने इसे ट्राई भी किया था और मोस्टली स्टूडेंट का जो आंसर था दैट वॉज सी। बट इसको एक बार रिविजिट करके और दो तीन डाउट्स को जब हमने डिस्कस किया तो उसके बाद हमने पाया कि ए ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है सही आंसर के, राइट। इसका मतलब 062 इज़ द राइट आंसर। तो लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस हमने कर लिया था, सिर्फ ए और सी ऑप्शन में जो ये वाला पोर्शन है ना, ये डाउट क्लियर कर देता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें ठीक है, सिर्फ हमें देखना था कि 4 या फिर 6 इन दोनों में से कौन सा डिजिट यहाँ पर आएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो थर्ड हिंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर तीन नंबर दिए हैं 2, 0 और 4। टू नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड, यानी इन तीनों में से केवल दो ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ठीक होंगे, राइट। तो अगर हम सी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो सी ऑप्शन में आपको 042 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो तीनों के तीनों ये जो नंबर्स हैं इधर आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि इन तीनों में से केवल दो नंबर होने चाहिए, लेकिन अगर हम सी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो यहाँ पर तो आपको तीनों नंबर्स देखने को मिल रहे हैं 042, ठीक है। 0 भी देखने को मिल रहा है, 4 भी देखने को मिल रहा है और 2 भी देखने को मिल रहा है, तो जो थर्ड हिंट है उसके हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब वही लॉजिक जो हमने पिछली बार लगाया था, अब हम अगर ए ऑप्शन में लगाते हैं तो ये ज़्यादा सही आंसर आपको देखने को मिलता है, ये आपके सारी हिंट्स में मैच कर जाता है। वन नंबर इज़ करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 जो है वो करेक्ट है एंड वेल प्लेस्ड, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो मैच होती है। वन नंबर इज़ करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड, अब यहाँ पर एक नंबर ठीक है लेकिन सही जगह पर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 6 जो है ये ठीक है लेकिन ये सही जगह पर नहीं है, तो 6 यहाँ पर है बिल्कुल है और ये मिडिल पोजिशन में आ जाएगा, राइट। तो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड हिंट है, उसको भी ये मैच करता है। फिर तीसरा हमने डिस्कस कर लिया, फोर्थ में जाते हैं तो फोर्थ हिंट आपको कहती है कि 7, 3, 8 इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, तो ना तो यहाँ पर 7 है, ना तो 3 है, ना ही 8 है, तो ये हिंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड, तो यहाँ पर एक नंबर करेक्ट कौन सा है, 0, और यहाँ पर है वो, राइट। तो यहाँ पर 0 है लेकिन ये रॉन्गली प्लेस्ड है, तो करेक्ट प्लेस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं और आज करेंगे हम पजल। आज की जो पजल है वो है यू हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आपको इसमें लिंक देखना है कि क्या वो लिंक है जिस लिंक को कैच करके आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, राइट। सो देयर इज अ पैटर्न एंड यू हैव टू क्रैक दैट पैटर्न एंड देन सी कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 9, 2, 6, 4। सो इसका आंसर मैं आपको इस सेशन के लास्ट में दूंगा, बट आप पॉज प्रेस बटन प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। थिंक अबाउट इट, स्किप मत करना, इसे ज़रूर करना क्योंकि सी सेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो लोग सीरियस की तैयारी कर रहे हैं उनमें मैथ्स आता है, रीजनिंग नहीं आता, बट स्टिल सो एंजॉय करें इस पजल को और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा हैज टच्ड 15% फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2019। सेकेंड स्टेटमेंट इज द शेयर ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबलीज इज बेटर देन द शेयर इन पार्लियामेंट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1 only, 2 only, 3 both एंड द लास्ट ऑप्शन इज डन। प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसकी स्पीड को आप ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, राइट, 1.25 या फिर 1.5। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा स्लोली बोलता हूँ, तो जिन लोगों को प्रॉपर तरीके से समझना होता है उन लोगों के लिए तो ठीक है, वो स्पीड ठीक है, बट जिन लोगों का रिविज़न चल रहा है तो वो इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। लेट्स सी, तो डी कहता है कि नन, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है, राइट। अब इसको देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ओके, सो एनसीईआरटी में लिखा है दैट द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 14.36% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, राइट।
तो 2019 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर पहली बार आपको देखने को मिलता है कि महिलाओं का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो पहली बार 14.36% तक पहुंचता है। और अगर आप स्टेटमेंट देखो तो स्टेटमेंट कहता है दैट द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा इज जस्ट 15% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। नो, अभी भी हम लोग 15% नहीं पहुंचे हैं। अभी भी अगर हम देखें तो 14.36% रिप्रेजेंटेशन रहा है महिलाओं का, जो कि हाईएस्ट अभी तक माना गया है, राइट? सो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, बिकॉज 15% टच नहीं किया है, इट इज 14.36%। ये अफेक्ट्स आप याद रखना अपने मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए और ग्रुप डिस्कशंस के लिए, जो भी आपके एग्जाम को सूट करेगा, राइट? दूसरा स्टेटमेंट है द शेयर ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबली इज बेटर देन द शेयर इन पार्लियामेंट। क्या ऐसा है? एनसीआरटी क्या बोलता है? एनसीआरटी कहता है देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। तो अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर हम यूनियन लेवल पे बात करें, तो वहां पे तो फिर भी 14.36% आपको देखने को मिलता है। बट वेन वी सी द सिचुएशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों की जब हम हालत देखते हैं, तो राज्यों में तो ये परसेंटेज और कम हो जाता है। इट्स लेस देन 5% ऑन एन एवरेज, राइट? सो देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द यूनियन एंड द सेंटर्स। तो यूनियन की हालत तो ऑलरेडी ही खराब है, लेकिन अगर आप स्टेट्स की बात करें तो वहां पे भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे आपको देखने को नहीं मिलते हैं, राइट? आउट ऑफ 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ओनली 14.36 जो महिलाएं हैं, केवल उतनी ही सांसद आपकी हैं, उतनी ही रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज वुमेन। तो अगर हम प्रोपोर्शन वाइज देखें तो काफी लेस परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। इट शोज दैट इंडियन सोसाइटी इज पेट्रियार्की नेचर। नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी, अगर आप दुनिया की ज्यादातर सोसाइटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर पेट्रियार्की नेचर। बट इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलर अगर हम बात करें, तो वहां पे जो सबसे बड़ी मेजोरिटी, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है बेसिकली, राइट? सबसे बड़ी माइनॉरिटी दैट इज वुमेन, उनकी कंडीशंस आपको काफी खराब देखने को मिलती है। वहां पे बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज इट इज लेस देन 5%, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके देखते हैं। तो एनसीईआरटी में एक डेटा आपको दिया गया, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स। अपने मेन्स के आंसर में अगर आप ये कोट करेंगे, आपको ये जो है ग्राफ नहीं बनाना आपको, बट अगर आप ये फिगर्स मेंटेन करते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन आपको देखने को मिलता है, राइट? तो यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट दिया गया है, वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन परसेंटेज। तो एक कंपैरेटिव चार्ट है, हम ये देखते हैं कि भारत में जो है 2019 में 14.36% महिलाएं थी संसद में। अगर हम कंपेयर करें इसे दूसरे देशों के साथ, तो क्या स्थिति है? तो अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज में वुमेन परसेंटेज इज 42.3%, राइट? वेरी हाई। बट स्टिल अगर आप देखो, स्टिल 50% तो यहां पे भी टच नहीं हो रहा है। फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इस तरह की जो देश है वहां पर भी 50% रिप्रेजेंटेशन नहीं है महिलाओं को। बट स्टिल 42.3% जब हम कंपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिका, सो इट्स ऑलमोस्ट 30%, 29.5%, राइट? यूरोपियन कंट्रीज में इट इज 26.4%, सब सहारन कंट्री में इट इज 23.7%, देन इन एशिया इट इज 19.8%, अरब कंट्रीज में इट इज 18.6%, जहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है वहां पे भी 18.6% रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। पैसिफिक में 15.6% है, और 2018 की बात करें तो ओनली 11.8%। वो तो 2019 में हम लोग बढ़ के 14.36% हो गया, बट स्टिल 14.36% जो है ये ग्लोबल एवरेज के भी नीचे है। तो हम लोग बहुत ही नीचे हैं, इनफैक्ट हम लोग अरब कंट्रीज के भी नीचे हैं जहां पे महिलाओं के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमारा जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया में सबसे कम है, ऑलमोस्ट सबसे कम है, ठीक है? सो दिस शोज द नेचर ऑफ सोसाइटी, द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जहां पर सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है, राइट? सो प्रेस द पॉज बटन, एक बार एनालाइज करो इस पूरे चार्ट को, इसको कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस वॉन्ट कम इन योर प्री एग्जाम, हो सकता है ट्रेंड एनालिसिस हो तो वहां पे पूछा जा सकता है। और कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है कि अरब जो स्टेट्स हैं वहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, वहां पे विमेन जो राइट्स हैं वो काफी ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, काफी रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं। बट इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलता है जब हम स्टडी करते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, बट स्टिल व्हेन यू कंपेयर इट विद इंडियन स्टेट, तो आप देखेंगे कि इंडिया के कंपेरिजन में काफी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? सो जस्ट प्रेस द पॉज बटन एंड एनालाइज
दिस कंप्लीट फिगर और इसको नोट डाउन आप करें, ठीक है। उसके बाद एक आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखने को मिलता है, ये बेसिकली एक कार्टून है जो कि न्यूज़पेपर से लिया गया है और ये बहुत ही फेमस है। अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो द हिंदू में जो कार्टून्स आते हैं वो इन्हीं के आते हैं, सुरेंद्र जी के कार्टून्स आपको देखने को मिलते हैं हिंदू में। तो ये बहुत अच्छा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है भारत की संसद का कि एवरी पार्टी एवरी लीडर टॉक्स अबाउट वुमेन रिप्रेजेंटेशन। हर आदमी जो है, हर पार्टी जो है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर? वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। यार देखो, अगर हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपको जो है आर्टिकल 15 में तो देखने को मिलता है, आर्टिकल 16 में आपको देखने को नहीं मिलता। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि यूपीएससी में आपको ऐसा मिले कहीं कि 10% सीट्स हैं वीमेन के लिए या फिर 50% है, 20% है। तो सेंटर की जो सर्विसेज हैं उसमें वीमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है फिलहाल। तो वीमेन रिप्रेजेंटेशन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? आपको पंचायत के इलेक्शंस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पंचायत में तो आपको देखने को मिलता है वीमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट। 33% रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट आर फ्री टू अवार्ड मोर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड, सो उत्तराखंड हैज अवार्डेड 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत इलेक्शंस, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, सो नीदर इन लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर इन पार्लियामेंट वी हैव रिजर्वेशन फॉर वुमेन। वुमेन के लिए रिजर्वेशन आरक्षण नहीं है, ना तो संसद में ना ही स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। तो इसके लिए एक बिल भी जो है रिप्रेजेंट हुआ था, प्रेजेंट किया गया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल। और जब मीडिया में बात होती है तो सारी पार्टीज इसको सपोर्ट करती हैं, यही दिखाया गया है यहाँ पे कि एवरी पार्टी इज लाइक ओके वी विल सपोर्ट, डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। लेकिन यही लोग जो हैं, ये सारे जो वेज हैं, जो दरवाजे हैं, जो डोर्स हैं संसद के, उनको क्लोज करके बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, राइट। यानी ऊपर से तो दे ऑल आर डिमांडिंग फॉर वुमेन रिजर्वेशन, बट जब इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के बारे में बात आती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल ट्रिक्स के जरिए इसको जो है कम कर दिया जाता है। इसको ना आप एक तरीके से और एनालाइज कर सकते हैं। इफ़ यू सी द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दिस कंट्रीज और द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दिस कंट्रीज, तो आप देखेंगे जितना ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है देश, राइट। नॉर्डिक कंट्रीज की आप बात कर लो, आप अमेरिका की बात कर लो, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, सोशल इक्विटी, सोशल कैपिटल। तो क्राइम, ये भी एक रिसर्च में पाया गया है कि जितना ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है करप्शन उतना ही कम होता है। तो बहुत ज्यादा चीजें आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं कि एक और इसमें एक कनेक्शन है कि जैसे जैसे लिटरेसी ज्यादा होता है ना, जितना ज्यादा लिटरेसी होगा उतना ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी बात को अपने इंटरव्यू में या मेंस में आप इस डेटा को यूज करते हैं, राइट। सो ये आपके काफी लंबे समय तक काम आएगा। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। सेकेंड, द सोशल डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजन इज मोर वाइड स्प्रेड देन दैट ऑफ जेंडर। फर्स्ट ऑप्शन इज वन ओनली, सेकेंड इज टू ओनली, थर्ड इज बोथ, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। थिंक अबाउट इट, दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन तो हमेशा होते हैं, इट्स लाइक अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा रहे हैं। लेट्स सी क्या लिखा है अपने आंसर एंड व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। अगेन इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, द सोशल डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजन इज मोर वाइड स्प्रेड दैट ऑफ जेंडर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। सो एनसीईआरटी बोलता है कि द डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेज, दिस डिविजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। सो वेन वी टॉक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर डिविजन, तो यार देखो जेंडर डिविजन आपको सारी जगह देखने को मिलेगा, राइट। जेंडर डिवीजन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, जेंडर डिवीजन आपको जो है फॉर एग्जांपल चाइना में भी देखने को मिलेगा।
जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको मल्टीपल रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस डिवीजन भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर डिवीजन्स भी हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था। चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत ज़्यादा रिलीजन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे आपको जेंडर डिवीजन तो देखने को मिलता ही है। आप रशिया की बात कर लो तो रशिया में बहुत ज़्यादा आपको रिलीजन देखने को नहीं मिलते हैं, बट स्टिल वहाँ पे भी आपको जेंडर डिवीजन देखने को मिलता है। आप अमेरिका की बात कर लो, जेंडर डिवीजन वहाँ पे भी है। कहने का मतलब है कि आप दुनिया की किसी भी सोसाइटी की आप बात कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कोई भी डिवीजन आप देख लो, वहां पे आपको जेंडर डिवीजन तो जरूर देखने को मिलेगा। इट मींस जेंडर डिवीजन इज यूनिवर्सल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस डिवीजन इट इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर, राइट। और अगर आप देखो पहली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था, दैट द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन इज मोर वाइड स्प्रेड, यानी रिलीजन के बेस पर जो सोशल डिवीजन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जेंडर। नहीं, ऐसा नहीं है, जेंडर बेस्ड जो सोशल डिवीजन है दैट इज मोर एज कंपेयर टू सोशल डिवीजन। तो पहली सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो आपने देखा था, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो मैकियावेली के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो मैकियावेली जो था वो क्या कहता था, वो ये कहता था दैट योर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट हैव एनी कनेक्शन। रिलीजन को जब वो बात कर रहा था तो चर्च की बात कर रहा था, बिकॉज चर्च जो है वो डोमिनेट रोल प्ले करता था पॉलिटिक्स में, और चर्च जो है वो डिसीजन लेता था। तो मैकियावेली का कहना था कि नहीं, चर्च को डिसीजन नहीं लेने चाहिए, डिसीजन पॉलिटिक्स को लेने चाहिए, जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको डिसीजन लेने चाहिए। दैट इज द रीजन ही वॉज इन द फेवर ऑफ द आइडिया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, राइट, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए। बट वेन वी टॉक अबाउट गांधी, तो गांधी का ये कहना था कि यू कैन नॉट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, आप नहीं कर सकते इसको अलग, ठीक है, बिकॉज एवरी रिलीजन इज बेस्ड ऑन सर्टेन मॉरेलिटीज, एवरी रिलीजन इज बेस्ड ऑन सर्टेन एथिक्स। तो अगर आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर लेते हैं तो पॉलिटिक्स करप्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज द आइडिया गिवन बाय गांधी। सो गांधी वॉज इन फेवर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि पॉलिटिक्स को करने के लिए आपको रिलीजन का यूज करना ही। वॉज लाइक कि अच्छी पॉलिटिक्स करने के लिए यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रिलीजन, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, राइट। इसी सीरीज में एक बहुत अच्छा पैराग्राफ मैंने देखा था, टॉपिक था इसी में एनसीईआरटी में, दैट वॉज कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है। सो मुझे ये हमेशा मेरे काफी करीब रहा ये टॉपिक, दो रीजन की वजह से, क्योंकि एक बार मैं कहीं आंसर लिख रहा था एंड वहां पर उन्होंने पूछा था कम्युनिज्म, और मैंने पूरा का पूरा आंसर जो लिख दिया था वो कम्युनलिज्म के ऊपर लिख दिया था, और बहुत ही अच्छा आंसर लिखा था, बट क्योंकि टॉपिक कुछ और था, दे आस्क्ड अबाउट कम्युनिज्म और मैंने पूरा आंसर कम्युनलिज्म में लिख लिया, तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। तो जब भी ये शब्द सामने आता है तो मैं दो चार बार इसको जरूर देखता हूँ कि वेदर दे आर आस्किंग फॉर कम्युनलिज्म और अबाउट कम्युनिज्म। तो कम्युनलिज्म के बारे में बात करता है, जिसको हिंदी में सांप्रदायिकता बोला जाता है। तो यहाँ पे काफी कंटेंट आपको मिलता है आपके मेंस के लिए, एंड नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि थोड़ा सा सोचने के लिए भी आपको ये मजबूर करता है, राइट। द प्रॉब्लम बिगिंस विद रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। तो कम्युनलिज्म के साथ समस्या सबसे बड़ी होती है जब हम नेशन का फाउंडेशन, कोई भी जो नेशन होता है, कोई भी कंट्री जब बनती है, अगर हम कंसीडर करते हैं उसके फाउंडेशन को रिलीजन, तो फिर प्रॉब्लम होता है। यानी धर्म के आधार पर जब राष्ट्र बनते हैं तो सांप्रदायिकता होती है। ये एक काफ़ी अच्छा एनालिसिस है। यानी जब भी राष्ट्र का निर्माण होगा धर्म के आधार पर, तो सांप्रदायिकता का होना तय है, राइट। और वही चीज़ आप देख सकते हैं पाकिस्तान में, वही चीज़ें आप देख सकते हैं इंडिया में, या वही आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जब जर्मनी में हिटलर जब रूल कर रहा था, राइट। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स, राइट। देखो पॉलिटिक्स का बेसिक मतलब क्या है, टू रूल, भाई आपके ऊपर रूल करना है, राइट। और रूल कैसे होना चाहिए, डाइसी क्या बोला, डाइसी ये बोला कि रूल ऑफ द लॉ, कानून का शासन होना चाहिए,
लेकिन अगर आपका आधार ही बनने का आधार ही अगर आपका रिलीजन है तो कानून का शासन नहीं हो सकता, बल्कि रिलीजन जो है वो एक बेस होगा। जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे श्रीलंका है। श्रीलंका में आप देखते हैं जो है सिंहलीज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मेजोरिटी गवर्नमेंट ज़्यादा वहाँ पे उस हिसाब से वो काम करते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो क्रिश्चियनिटी वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करती है, सो एंड सो फोर्थ। तो रिलीजन अगर बेस बन जाता है तो रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं वायलेट होता है, और ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। राइट, बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। तो अगर रिलीजन के आधार पर स्टेट बनेगा या देश बनेगा, तो जो मेजोरिटी में वहां पर होंगे उनके वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करेंगे। जब भी लॉ बनेगा तो दे विल ट्राई कि उनके हिसाब से लॉ बने, और फिर जो जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो अपने आप को अलग करने की सोचेंगे। राइट, एंड दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सेसनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री। जैसे अभी इसराइल और पैलेस्टीन का मैटर चल रहा है, तो पैलेस्टीन क्या चाह रहा है? बिकॉज पैलेस्टीन इज इन माइनॉरिटी और इसराइल इज इन मेजोरिटी। जो जो आपकी ज्यूज हैं वो मेजोरिटी में, तो जितने भी लॉज उन्होंने बनाए हैं वो किसके फेवर में है? वो ज्यूज के फेवर में है। तो ज्यूज जो है वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसे डोमिनेटिंग लॉज बना रहे हैं सो दैट उनको बेनिफिट रहे। और जो आपका माइनॉरिटी में है, यानी जो मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे माइनॉरिटी में है, वो क्या कर रहे हैं? वो दे आर आस्किंग फॉर अ सेपरेट नेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो खालिस्तान एक एग्जाम्पल है इसका। राइट, नॉर्थ ईस्ट में जो सेसनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं जब रिलीजन और कम्युनलिज्म एक फाउंडेशन बन जाता है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन द मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी। और इसी प्रोसेस को हम कम्युनलिज्म कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। राइट, डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। ठीक है, सो कम्युनल पॉलिटिक्स जो हो जाती है वो आपकी जो नेशन में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो इलेक्शन की जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसका एक डोमिनेट रोल प्ले करती है। इंडिया में आप देख सकते हैं, इंडिया में आप किसी भी पार्टी का नाम लेते हैं एंड यू रिलेट अ सर्टेन कास्ट, यू रिलेट अ सर्टेन रिलीजन टू दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वेदर इट्स मायावती और आप लालू प्रसाद यादव की बात करो, मुलायम सिंह की बात करो, बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की बात करो, दे ऑल हैव देयर वोट बैंक्स। और वो जो वोट बैंक है उनका जो बेसिस है दैट इज रिलीजन। राइट, कम्युनल पॉलिटिक्स, एंड इट इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ठीक है, एक सुपियोरिटी और एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट होता है यहां पर। राइट, सो दिस बिलीफ सिस्टम इज फंडामेंटली फ्लॉड, दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, एंड दिस विल डिवाइड द सोसाइटी, एंड दिस हैज ऑलरेडी डिवाइडेड द सोसाइटी। सो दिस एग्जैक्टली द एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी की इस तरह का अगर हम सिस्टम तैयार करते हैं, इस तरह का फाउंडेशन तैयार करते हैं, तो सोसाइटीज विल डिवाइड, प्रिजुडाइज होंगे, स्टीरियोटाइप्स होंगे। राइट, यूनिटी नहीं होगी, इक्वालिटी नहीं होगी, और एक ही देश के अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल डिमांड्स, मल्टीपल एस्पिरेशंस जो हैं वो आएंगी। और क्योंकि मेजॉरिटी में लोग हैं तो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल की जाएंगी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, एंड जो माइनॉरिटी है दे विल आस्क फॉर सेपरेट स्टेट और सेपरेट कंट्री। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी। राइट, पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी, दिस इज एग्जैक्टली वट एवरीबडी वॉन्ट, दैट इफ ही और शी इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ही वॉन्ट कि उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, सो दैट उसके पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो मीट हो सके। राइट, और इसी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग मेजोरिटेरियन डोमिनेंस भी कहते हैं। और एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे आर्टिकल, एंड वहां पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि डेमोक्रेसी, इफ यू सी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सो बेसिकली डेमोक्रेसी इज नथिंग बट द रूल ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, रूल ऑफ मेजोरिटी इज डेमोक्रेसी, जो कि कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। ठीक है, हम कहते हैं डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, बट प्रजातंत्र एक्चुअल में प्रजातंत्र नहीं है, इट इज द रूल ऑफ द मेजोरिटी। अब जाहिर सी बात है, अगर 100 लोग हैं और 100 में से 80 जो लोग हैं वो हिंदू हैं, एंड 14 जो लोग हैं वो आपके मुस्लिम्स हैं, उसके बाद कुछ अदर्स को अगर हम लोग मिला लेते हैं, मान लेते हैं टोटल सिख कम्युनिटी को मिला लेते हैं, बुद्धिज्म को मिला लेते हैं, जैन को मिला लेते हैं, तो टोटल 6 हो गए। राइट, तो अब अगर आप यहाँ पे इलेक्शन कराओगे एंड यू विल से कि हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस पॉपुलेशन के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं इफ दे आर यूनाइटेड और इफ दे आर डिवाइडेड। राइट, तो वट काइंड ऑफ गवर्नमेंट यू विल गेट, इज विल इट बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और विल इट बी अ गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी। सो टेक्निकली देखा जाए, सो इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी।
इट इज अ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, राइट? बट लुक एट द फंडामेंटल और द फाउंडेशन ऑफ डिवीजन. द फाउंडेशन ऑफ डिवीजन इज रिलीजन. अगर ये डिवीजन नहीं है, अगर ये फाउंडेशन नहीं है डिवीजन का, और अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट का, अगर डेवलपमेंट, ग्रोथ, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, राइट, अगर ये सब ग्राउंड होता है इलेक्शंस का और उसके आधार पर फिर वोटिंग होती है, देन वी विल कॉल इट अ डेमोक्रेसी, अदरवाइज इट इज अ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस. ठीक है? सो इस तरीके से आप सोचें, जो भी आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं एनसीईआरटी में, और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में और आपके रिजेक्शन में. तो बार बार आप इसे पढ़ें, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्री एग्जाम, बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मेन्स एग्जाम और फॉर योर इंटरव्यू. ठीक है? राइट. सो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपको पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सेक्रेट सिंबल्स को यूज़ करते हैं, रिलीजियस लीडर्स को यूज़ करते हैं, इमोशनल अपील्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन की जाती है, और ये आप देखने को मिलता है आपको. ठीक है? विदाउट टेकिंग द नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हम देख सकते हैं, आपके न्यूज़ चैनल हो गए, आपके आपके सोशल मीडिया हो गए, तो यू नो कि क्या आधार क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर जो है वोटिंग होती है. तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड कम्युनलिज्म, दिस इज द आइडिया बिहाइंड योर सांप्रदायिकता. ठीक है? कम्युनल वायलेंस आपको देखने को मिलता है, राइट? मुरादाबाद में अभी 2014 और 13 में काफी दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर में 2013 में काफी दंगे हुए, तो दे ऑल वर कम्युनल वायलेंस, राइट? दिल्ली दंगा रिसेंट अभी जो हुआ था 2019-20 में, राइट? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इट इज द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ठीक है? सो ये एनसीईआरटी में एक फैज़ अहमद फैज़ की कुछ लाइनें लिखी हैं यहाँ पर, तो आप इसे पढ़ें, मैं भी आपके साथ रिसाइट करता हूँ इसे. एंड अकॉर्डिंग टू फैज़ अहमद फैज़, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद. ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है. यू कैन नॉट कोट इट, इंटरव्यू में आप बोल सकते हैं इसको, या कभी आप डिबेट कॉम्पिटिशन में हैं या ग्रुप डिस्कशन में हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं. डू नॉट राइट इन योर आंसर, आंसर में नहीं लिखना अपना ये. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. नंबर वन, द टर्म दलित इज यूज फॉर बोथ शेड्यूल कास्ट एज वेल एज फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. Second statement, the population of scheduled caste is almost double that of scheduled tribes in India according to the last census of 2011. क्योंकि अभी जो last census है वो 2011 का ही है, 2021 का census अब आएगा, और जिन लोगों का 22-23 में exam है उनको फिर से ये सब data याद करना पड़ेगा. खैर, so press the pause button and mention your answer in the comment box. Let's see what is the right answer, and the right answer is option number B. It means आपका B option सही है, यानी second statement आपका सही है, पहली statement गलत है आपका. ठीक है? So वो क्या कह रहे हैं, the term Dalit is used for both scheduled caste as well as for scheduled tribes. नहीं, Dalit जो शब्द है ये केवल और केवल scheduled caste के लिए use होता है, scheduled tribes के लिए use नहीं होता है. Scheduled tribes के लिए जो word use होता है that is आदिवासीज. ठीक है? तो यहां पे देखें आप, द शेड्यूल कास्ट कॉमनली नोन एज दलित. तो दलित शब्द जो है ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए यूज होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं होता. द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफन रेफर टू एज आदिवासीज, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इन 2011 जो सेंसस के बारे में हम बात कर रहे हैं, द शेड्यूल कास्ट वर 16.6% एंड द शेड्यूल ट्राइब्स वर 8.6%. तो रफली शेड्यूल कास्ट जो है वो डबल है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है? एग्जैक्ट डबल नहीं है, और यही तो मैंने लिखा था यहां पे, इज ऑलमोस्ट डबल. एग्जैक्ट डबल नहीं है, बट लगभग आपको डबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है. तो भारत में शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है दैट इज 8.6%, और शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है दैट इज 6.6%. ठीक है? तो रफली डबल पॉपुलेशन है, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी ठीक है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है, सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ ईच कम्युनिटी हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली. सेकंड स्टेटमेंट है, इन परसेंटेज टर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, जैन्स एंड क्रिश्चियंस हैव डिक्लाइंड मार्जिनली. थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स, सिख एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हैव इंक्रीज्ड.
फोर्थ स्टेटमेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक अदर रिलीजन्स इन 2050. सो यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन एंड थिंक अबाउट इट एंड मेंशन योर आंसर. लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. ओके सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन. इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है. ठीक है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, तो डी ऑप्शन आपका गलत है. इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है और सी ऑप्शन ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर ऑप्शंस पे वापस आएंगे. सिंस इंडिपेंडेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कम्युनिटी हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली. ये वैसे भी लॉजिक है यार, अगर आप देखो पॉपुलेशन तो इंक्रीज्ड ही हो रहा है ना. यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं. पॉपुलेशन के नंबर्स की टर्म पे बात कर रहे हैं, तो जितने भी आपके धर्म हैं जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा. राइट, तो पहला स्टेटमेंट आपको सही मिलता है. बट देयर प्रोपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन हैज नॉट चेंज्ड मच. बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिला है. राइट, तो जो आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा इंडिपेंडेंस के टाइम पर था. बट नंबर्स जो है वो काफी ज्यादा चेंज हुए हैं. इन परसेंटेज टर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, जैन्स एंड क्रिश्चियन हैज डिक्लाइंड मार्जिनली. बहुत थोड़ा सा आपको जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप देखें भी तो जो हमसे प्रीवियस जनरेशन थी वहां पे आप देखेंगे कि जो फैमिलीज हैं वहां पे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 हैं, 6 बच्चे हैं. तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज टर्म्स में उस वक्त ज्यादा था एज कम्पेयर टू दिस जनरेशन. यहाँ पे आप देखें अपनी जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 बच्चे 3 बच्चे देखने को मिलते हैं. तो पॉपुलेशन कंट्रोल काफी अच्छा देखने को मिलता है पर्टिकुलर 3 कम्युनिटीज में, हिंदूज, जैन्स एंड क्रिश्चियंस. तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया एंड दिस इज अ गुड साइन, ये अच्छी बात है. ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम, सिख एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड स्लाइटली. तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट मुस्लिम पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में आपको स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलता है. ठीक है, देयर इज अ कॉमन बट मिस्टेकन इंप्रेशन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम इन द कंट्रीज पॉपुलेशन इज गोइंग टू ओवरटेक देयर रिलीजियस कम्युनिटी. तो ये गलत है. राइट, ऐसा परसेप्शन है, ऐसा कई सारी न्यूज डिबेट्स में आपको देखने को मिलता है जहां पर पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर कई बार कुछ ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस गुरुज होते हैं जो ये कहते हैं कि जिस स्पीड से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है 2050 में हमें वो ओवरटेक कर देंगे. बट एनसीईआरटी ऐसा कहता है कि नहीं, ये नहीं होने वाला. राइट, इट इज अ मिस्टेकन इंप्रेशन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम्स इन द कंट्री पॉपुलेशन इज गोइंग टू ओवरटेक अदर रिलीजियस कम्युनिटीज. दिस इज नॉट द केस, ये पॉसिबल नहीं है. बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. वी आर 80%, ऑलमोस्ट 80%, देर अराउंड 14%. राइट, सो बहुत बड़ा गैप है. ठीक है, सो ये ऊपर की जो 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. राइट, ये पॉपुलेशन आपका चार्ट आपको देखने को मिलता है 2011 का जो सेंसस है. सो देर आर 79.8% हिंदूज, रफली 80% हिंदूज. ठीक है, 14.2% मुस्लिम्स. तो ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप है. क्रिश्चियंस की बात करें तो देर आर 2.3% क्रिश्चियंस, देर आर 1.7% सिख्स. कैन यू बिलीव इन इंडिया वी हैव ओनली 1.7% सिख कम्युनिटी, बट इफ यू सी दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली, इट इज ह्यूज, ह्यूज. ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है सिख कम्युनिटी का भारत की इकोनॉमी में. राइट, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अपार्ट फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशन इन द मिलिट्री, अगेन वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. सो ओनली 1.7% पॉपुलेशन इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इंडियन इकोनॉमी एंड इन इंडियन आर्मी, सिख कम्युनिटी. राइट, उसके बाद अदर्स आपके 2% आ जाते हैं. तो इन 2% में आपको देखने को मिलता है 0.7% बुद्धिस्ट है, 0.4% जैन है. राइट, इसके अलावा 0.7% फिर अदर्स हैं, और ऐसे एथिस्ट पॉपुलेशन जो है दैट इज 0.2%. तो ये भी आपको याद रखना है कि जब 2011 का सेंसस हो रहा था और लोगों से जब उनका धर्म पूछा जा रहा था तो वहां पर उनके पास एक और ऑप्शन था एंड दैट वॉज एथिस्ट. तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा आपका रिलीजन कौन सा और आप बोलेंगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो वो भी काउंट किया गया था. तो इंडिया में 0.2% एथिस्ट है.
ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है ये। सो मैच द फॉलोइंग करना है आपको, ठीक है, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड का। सो मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, जस्ट प्रेस द पॉज बटन, एक बार रीड करो एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। यार सीधी बात है, देखो एक एक करके देख लेते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, तो कौन होगा वो? ये सीधी बात है, फेमिनिस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए। अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, तो वो कौन होगा? अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द बेसिस, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द कम्युनिटी, तो इस तरह का आदमी जो है आपका सेक्युलरिस्ट नहीं हो सकता, कास्टिस्ट नहीं हो सकता, ये होगा आपका कम्युनलिस्ट, जो धर्म के आधार पर समाज की संरचना के बारे में बात करें। थर्ड है अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, तो इस तरह का आदमी कौन होगा? कास्टिस्ट होगा। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, इस तरह का आदमी कौन होगा? सेक्युलरिस्ट होगा। तो वन का बी, टू का ए, थ्री का डी, फोर्थ का सी, सही है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। वन का बी हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, टू का सी हो रहा है, सेकेंड का सी हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। सो ये आपका मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पजल, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द पजल, एंड आई सीरियसली वांट टू सी कि कितने लोगों का ठीक हुआ है, क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। देखो इसमें जो लॉजिक है ना वो कुछ इस तरीके से है, अगर आप एक एक करके देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर है 7, 6, 4, 2, ठीक है, तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो जो वर्टिकल है ना, पहला केस ले लेते हैं, तो उसमें क्या किया गया, 7 × 6 = 42, आया समझ में, 7 × 6 = 42, राइट। सेकंड केस में ले लेते हैं, वर्टिकल में क्या है, 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, 5 × 3 कितना हो गया, 15, और लास्ट ऑप्शन है आपका 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो यहां पर तो एक है, यहां पर क्या आएगा, 2, इसका मतलब सही आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन था एज कंपेयर टू प्रीवियस पजल। तो थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू अवर सीरीज, अपना ध्यान रखें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर फैमिली, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।